नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस 2020 की परीक्षा के परिणाम किए घोषित, जिसमें करीबन 2,45,000 लोग जेई एडवांस परीक्षा के लिए हुए क्वालिफाई, वहीं 24 छात्रों को मिला 100% टाइल। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी में किए बड़े बदलाव, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से किया मुक्त, साथ ही महासचिवों और प्रभारियों की नई लिस्ट की जारी। हैदराबाद के कुछ डॉक्टरों ने किया एक बड़ा कारनामा, डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमित मरीज के दोनों फेफड़ों का किया सफल ट्रांसप्लांट परीक्षण, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का किडनी की समस्या से हुआ निधन, उन्होंने मात्र 35 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच से माफी मांगी, बताया जा रहा है कि फेसबुक पर अपलोड की गई एक तस्वीर को लेकर छिड़ गया था विवाद, जिसके बाद पुतिन ने माफी मांगी। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का ट्रायल फिर से शुरू करने की दी अनुमति, यूके में एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने के बाद वैक्सीन का ट्रायल पहले यूके में और फिर दुनिया भर में रोक दिया गया था। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के अबोहर सेक्टर में बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक काफी संख्या में AK-47 राइफल भी की गई है बरामद। पुणे में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले टैंकरों को मिलेगा एम्बुलेंस का दर्जा, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में अब तक 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पाए जा चुके हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव, वहीं 186 की जा चुकी है जान, वहीं यूपी में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,00,000 के पार, तो वहीं देश में अब तक देखे गए हैं 46,75,000 कोरोना केसेज। पूरी तरह फिट है चीन द्वारा सेना को सौंपे गए अरुणाचल प्रदेश के 5 युवा, लेकिन कुछ दिनों के लिए 5 युवाओं को किया जाएगा क्वारंटाइन। कंगना की मुंबई यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों के द्वारा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर DGCA हुए नाराज, अब उड़ान के दौरान विमान में फोटो खींचने पर एयरलाइंस पर लगेगा 2 हफ्ते का प्रतिबंध, DGCA ने जारी किया आदेश। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की कब्र की जगह बेचने के आरोप में 2 लोगों पर हुआ केस दर्ज, आपको बता दें कि 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में याकूब मेमन को चढ़ाया गया था फांसी। ईरान में चैंपियन रेसलर नाविद अफकारी को सरकार ने दी फांसी, नाविद को 2 साल पहले सरकार के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मी की मौत के मामले में सुनाई गई थी फांसी की सजा। वाराणसी में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी और सरकार की नीतियों का विरोध करने के आरोप में एक इंजीनियर को किया गया सस्पेंड, इस खबर से यूपी की योगी सरकार की दमनकारी नीतियों का पता चलता है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग की आलोचना करने पर प्रशासन ने मंत्रालय के 5 कर्मचारियों की गोली मारकर कर दी हत्या। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस पर अंकुश पाने के लिए नए उपायों का किया ऐलान, सेल्फ क्वारंटाइन को बढ़ावा देने के लिए उसका समय घटाकर 7 दिन किए, तो वहीं देश में कोरोना के टेस्टिंग में तेजी लाने के लिए नियुक्त किए 2,000 लोग। कोरोना से यहां अब तक 30,893 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। तालिबान के हमले में 16 अफगान सैनिकों की हुई मौत, वहीं कई सैनिक हुए बुरी तरह से घायल, अफगानिस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तालिबानियों का आतंक। मध्य प्रदेश के डिडोरी जिले में लापरवाही करने पर 45 शिक्षक होंगे निलंबित, तो वहीं 10 शिक्षकों की होगी सेवा समाप्त, कलेक्टर ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। RJD से इस्तीफा देने के बाद बिहार के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत हो गई अचानक से खराब, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में करवाया गया भर्ती, हालात गंभीर होने की वजह से अभी तक नेता वेंटिलेटर स्पॉट पर हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने खुद को मुकेश अंबानी बताकर नगर सैनिक से ठगे 65,00,000 रुपए। वहीं आज ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के नाम से टैग हुआ ट्रेंड, जिसमें सतभक्ति करने के लिए संदेश दिया गया, लाखों लोगों ने ट्वीट करके बिग बी को टैग करते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को कहा। और आज का सवाल, लोग सतभक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे सतभक्ति क्या है और उससे क्या लाभ मिलते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।